Welcome to Ace of Kitchen, and I'm your host Shagorika Banerjee, and we are at The Leela's Ambience and Convention Hotel. Exactly, guys, and this is the poolside area, the most favorite of mine. Well, जब भी हम लीलाज में आते हैं तो यहाँ पे क्यूजीन हमेशा उम्दी रहती है और उम्दा होने के साथ साथ यहाँ का जो एम्बियंस है, जो पूरा फ्लेवर है, इट कम्स आउट नेचुरली. तो इस बार हमने सोचा टू बीट द हीट, एंड डेफिनेटली समर्स में पार्टीज़ होती हैं तो उसको किस तरह से हम मोल्डन कर सकते हैं. इसके लिए आज हमने चुना है पूल साइड एरिया विद अ बारबेक्यू चारकोल फ्लेवर. तो चलिए आज जानते हैं हमारे शेफ से कि वो हमारे लिए कौन सा फ्लेवर बनाने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यानी कि एस ऑफ किचन में. जैसे कि आप देख रहे हैं, वी आर एट दी पूल एरिया और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेफ ब्रिजेंद्र गौतम, और ये पूरा एटमॉस्फेयर बन चुका है पूल साइड कबाब्स के लिए, राइट शेफ? तो शेफ, हम क्या बनाने जा रहे हैं? बारबेक्यू कुछ आज हम यहाँ पे, हाँ, बारबेक्यू लैम्ब चॉप बनाने जा रहे हैं हम, जिसके लिए हमने पूरा सेटअप किया हुआ है यहाँ पे. ओके, ये हमारा इम्पोर्टेड बारबेक्यू लैम्ब चॉप है. थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे हम, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर द टेस्ट. थोड़ा सा गार्लिक लेंगे, बिल्कुल गार्लिक तो जाएगा. हर्ब्स इसमें ऐड करेंगे, इससे थोड़ा नेचुरल फ्लेवर आएगा. रोजमेरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका जी, जो मीट के साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें. जो भी मीट प्रोडक्ट होता है, लैम्ब सेंगे, लैम्ब चॉप और अदर मीट आइटम, ब्लैक पेपर, क्रश पेपर्स एंड काजू स्पाइस. एंड टेक लैम्ब चॉप. टेक द लैम्ब चॉप. शेफ, जाहिर सी बात है क्योंकि हम लैम्ब चॉप बारबेक्यू करने जा रहे हैं, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स में मैरिनेशन के लिए डाल दिए हैं, तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए रखना भी पड़ेगा? बिल्कुल मैडम, 1 से 2 घंटे हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे. okay. उसके बाद हम उसको ग्रिल करते हैं डायरेक्ट. अच्छा. इस वजह से इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाता है, अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर तक, उसके सॉल्ट और मैरिनेशन का फ्लेवर अंदर डीपली चला जाता है. मतलब ये जरूरी है कि 1 से 2 घंटा कम से कम आप इसे रहना चाहिए, मिनिमम 1 आवर जो मैरिनेशन का जितना फ्लेवर है वो आपके लैम्ब चॉप में जाए, और जब इसे आप ग्रिल करेंगे या फिर अगर आप उसके बारबेक्यू करेंगे, उसका जो फ्लेवर है वो इंस्टेंट निकल कर आएगा. Yes, ma'am. So we'll keep it for at least 1 hour, and then we'll start doing the rest of it. अब हम इसको ग्रिलिंग के लिए 1 घंटा हो गया, almost over. जी. अब हम इसको बारबेक्यू के लिए इस पे पर रखेंगे. जी. चारकोल बारबेक्यू में. मैं ये भी बता दूँ कि दर्शकों की चारकोल बारबेक्यू आजकल कई ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं. बिल्कुल. तो अगर आप घर पे चाहें तो वो आप बाय भी परचेज भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज इट. ये हमारा रोजमेरी है, इससे हम ऑलिव ऑयल को डायरेक्ट अगर फ्लेम करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और फ्लेवर निकल के आएगा. इसके ऑयलिंग से बास्टिंग करते हैं हम इसमें. लैम्ब में थोड़ा सा टाइम लगता है. सर, अप्रॉक्सीमेटली फिर भी कितना टाइम? शेयर अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स, इसमें 20-25 मिनट्स में लगता है. वैसे हम शेयर भी करते हैं लेकिन ग्रिलिंग में थोड़ा सा, शेयर में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है लेकिन ग्रिलिंग में इस टुक टाइम. हम थोड़ा सा ये कैप्सिकम बेल पेपर ग्रिल करेंगे इसकी गार्निश के लिए, प्लेटिंग के लिए, और इसके साथ थोड़ा रेड येलो ग्रीन चटनी भी करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल मैम. ये थोड़ा बेल पेपर ग्रिल हो गया ऑलमोस्ट नीचे से, इसको ज़्यादा ग्रिल नहीं करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा ओवरडन अच्छा नहीं लगता है क्वांटिटी फूड के साथ. सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन शेफ, इट्स रेडी. यस मैम, इट्स रेडी. नाउ वी कैन प्लेट. हमारी प्लेटिंग भी तैयार हो चुकी है. यस मैम, ये कॉलीफ्लावर प्यूरी है, जस्ट फॉर गार्निश वी पुट इन साइड, नीचे रखा हुआ है हमने पोटैटो मैश के साथ. Nice colorful plate shift. Plating yes, is done. Not, it's not done, ma'am. Not yet? Not yet done. Some roasted asparagus. Some roasted asparagus. We put for garnish to plating for colorful. Exactly.
the more lively and colorful it looks, उतना अपीलिंग रहता है खाने के लिए. अपीलिंग रहता है थोड़ा. सो फॉर ऑल दोस पार्टी लवर्स, मेरे ख्याल से इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. जहाँ पे आपको एक बारबेक्यू पूल साइड बारबेक्यू के लिए ये मीट प्रोडक्ट और ये लैम चॉप है, ये बहुत ही लवली कॉम्बिनेशन है. आपके ऊपर है. लेकिन हाँ, शेफ रिजन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस लवली प्लेटर. जितना ये कलरफुल है, जितना आई अपीलिंग है, आई एम श्योर इट्स बी वेरी टेस्टी एज वेल. चलिए, इसी उम्मीद पे कि फिर होगी आपसे मुलाकात. यानी कि दिस प्लेटर इज गोइंग टू बी रियली रियली डिलीशियस. लेट मी जस्ट फिनिश इट ऑफ क्विकली.